आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। मैं रोशनलाल सहारण आज आपके लिए लेके आया हूँ रिलेटिविटी का एक टॉपिक। उसमें हम करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिएगा गाइस, आपको दिखाई दे रहा है कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, MSc के मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों के लिए। तो देखिएगा इसमें क्या होता है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि दो निर्देश तंत्र होते हैं। जैसे एक तो होता है S और एक होता है S डैश। जो S है वो एक स्थिर रहता है, जो S डैश निर्देश तंत्र है वो क्या है, x x के सापेक्ष नियत वेग V से कोई नियत वेग होता है उससे गति करता है। तो देखिएगा इसमें हम करते हैं कि हमारे पास में दो निर्देश तंत्र लेंगे, एक तो S लेंगे एक S डैश लेंगे। इसमें S डैश नियत वेग V से गति करेगा x के सापेक्ष, और S क्या है, एक स्थिर रहेगा। और वो गति कौन सी दिशा में करेगा, x x के अकॉर्डिंग गति करेगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं कि ओनली फॉर चेंज की इसमें आएगा, टाइम में चेंज आएगा, और x x जो जिस दिशा के सापेक्ष गति कर रहा है उसमें उसमें चेंजिंग आएगी। तो देखिएगा यहां पर हमने लिया है कि जो S निर्देश तंत्र है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल X, Y, Z और T है, और S डैश में जो निर्देश तंत्र इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश है, और यहां से O, O डैश इसके सेंटर पॉइंट है। देखिएगा X X के सापेक्ष जा रहा है तो ओनली फॉर X में और टाइम t में ही परिवर्तन आएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि y और z में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिएगा एक नंबर इक्वेशन हमने लिया है कि x डैश इज इक्वल टू, क्या लिया है दोस्तों, x डैश इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है गाइस। तो देखिएगा x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस vt, जहां से ये कोई पॉइंट p मान लिया हमने, और इससे s के निर्देश तंत्र की दूरी हमने मान ली x है, और एस डैश से इस निर्देश इस पॉइंट की दूरी एक्स डैश है, और वो वी वेग नियत वेग से गति कर रहा है, तो ये दूरी इनकी मान ली टी टाइम पे कितनी है। जैसे हम जानते हैं कि चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम इंटू डिस्टेंस, जो चाल होती है उनकी वो होती है, तो वी टी इनके मध्य की दूरी हो गई, ये एक्स डैश हो गया। तो एक्स डैश निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वी टी करेंगे, क्या करेंगे, एक्स माइनस vt करेंगे, तो x माइनस vt, यहाँ पे कोई अल्फा हमने कोई कोफिशियंट मान लिया, और यहाँ पे t बीटा t और गामा x ये हमने कोफिशियंट मान लिए। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। वो मान निकालने के बाद में वहां पे वापिस इसी समीकरणों में रखते हैं तो हमारे पास में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिएगा गाइस हम किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, मेरे को आप बता दीजिएगा जो S निर्देश तंत्र है उसके लिए हमारे पास में समीकरण क्या हो जाएगी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास में एक समीकरण आती है, वो देखिएगा गाइस क्या आ जाएगी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। और S डैश निर्देश तंत्र के लिए वो समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास में, X डैश की स्क्वायर प्लस में Y डैश की स्क्वायर स्क्वायर है भी, और Z डैश की स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर T डैश की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो समीकरण 5 में 1, 2 और 3 से मान पुटअप करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से इसमें x डैश y डैश z डैश और t डैश के मान पुट करेंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व, सभी को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दिखने में, ये देखिएगा गाइस, ठीक है, यहां से देखिएगा मान पुट अप करेंगे तो x डैश का मान कितना है, अल्फा बाहर है, ठीक है, और हमारे पास में हो जाएगा x माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और प्लस में इक्वल की वैल्यू आएगी और c स्क्वायर, यहां से t डैश का मान कितना है, बीटा t प्लस में गामा x का होल स्क्वायर, ये देखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों, चलिएगा
इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा क्या पड़ेगा हमारे पास में, अल्फा की स्क्वेयर करना है, इसकी स्क्वेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा स्क्वेयर अब हमारे पास में बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस टू एक्स वी टी प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर इजिकल टू सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस में गामा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में टू बीटा टी और गामा एक्स, इतना मान हो गया। अब इसके बाद में देखिएगा, इतना मान निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां से एक्स के गुणांक, एक्स की स्क्वेयर के गुणांक और वाई के गुणांक, जेड की स्क्वेयर के गुणांक और जो टी के गुणांक है उसको एक तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर चार से इसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है भाई, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन हम किस प्रकार से करेंगे, जहां पर भी आपको एक्स स्क्वेयर दिखाई दे रहा है वो एक तरफ लिया जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वेयर है हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा यहां पे क्या बनेगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वेयर बनेगा माइनस देखिएगा सी स्क्वेयर आ जाएगा और गामा स्क्वेयर हो जाएगा, सी स्क्वेयर और गामा स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर इज, यहां पे देखिएगा दूसरी तरफ ले जाएंगे टी स्क्वेयर के गुणांक। लेकिन जो बच गए हैं यहां से देखिएगा हमारे पास में क्या कॉमन आ जाएगा, टू एक्स टी यहां से कॉमन आ रहा है, टू एक्स और टी भी यहां से कॉमन आ रहा है, तो टू माइनस का टू एक्स की हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे हमारे पास में बनेगा अल्फा स्क्वेयर और ये वी बनेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हमने कॉमन ले रखा है तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वेयर और बीटा गामा क्या बनेगा, बीटा और गामा बन जाएगा। इसके बाद में देखिएगा इक्वल आएगा वैल्यू और सी स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, सी स्क्वेयर इसमें से अगर कॉमन आए, सॉरी सी स्क्वेयर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, टी स्क्वेयर निकालना है बाहर, टी स्क्वेयर का कोफिशियंट यहां पे चार नंबर इक्वेशन में देखो, तो यहां से हमारे पास में क्या बनेगा सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, क्या बनेगा सी स्क्वेयर, ये देखो बीटा स्क्वेयर, यहां से टी स्क्वेयर कॉमन आ गया और यहां से टी स्क्वेयर कॉमन आएगा तो माइनस में अल्फा स्क्वेयर और ये हमारे पास में है गम्मा है क्या वी, वी है वी सॉरी ये वी स्क्वेयर है, ये इतना माना है टी स्क्वेयर। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर ये विच है, समीकरण या इक्वेशन नंबर फोर का जो इक्वेशन नंबर छह से कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तुलना करेंगे उनकी कोफिशियंटों की, तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे हम, यहां से देखिएगा एक्स की स्क्वेयर का गुणांक कितना है, कितना कोफिशियंट है इसका और इसका भी कितना कोफिशियंट है, यहां से देख लीजिएगा आप, यहां से एक है और यहां से हमारे पास में क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये बन गया। दूसरा बनेगा वाई की स्क्वेयर, वाई की स्क्वेयर एक हो जाएगा, जेड की स्क्वेयर जेड की स्क्वेयर और जेड की स्क्वेयर यहां से कंपेरिजन कर रहे हैं, एक हो जाएगा वाई की स्क्वेयर और वाई की स्क्वेयर एक हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा यहां से इसका कोफिशियंट यहां पे 2xt का कोफिशियंट यहां पे ये है और यहां पे 2xt का कोफिशियंट कितना है, जीरो है, यहां पे 2xt कोई वैल्यू नहीं है चार नंबर इक्वेशन में, तो यहां से हम करेंगे अल्फा स्क्वेयर, ये हमारे पास में है अल्फा स्क्वेयर वी, अल्फा स्क्वेयर वी है, थोड़ा ध्यान रखना भी गामा और वी में, और प्लस में है सी स्क्वेयर बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, एक देखिएगा। अब हमारे पास में समीकरण एक और बनेगी, ये देखिएगा समीकरण लास्ट जो टी स्क्वेयर का कोफिशियंट वहां पे हमारे पास में सी स्क्वेयर है, यहां पे कितना हो जाएगा सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर और ये हमारे पास में हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये हमारे पास में समीकरण नंबर, आप इसको
कुछ भी दे सकते हो, छह फर्स्ट दे सकते हो, छह सेकंड दे सकते हो और छह थर्ड दे सकते हो। एक दो तीन यानी 1 2 3 दे दिया इसको, छह नंबर इक्वेशन को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों समीकरणों से हमें क्या निकालने हैं, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा के मान हमें निकालने हैं। इन तीनों समीकरणों से अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने के बाद में वापस 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में हम मान रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिद्ध हो जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखो 6 नंबर इक्वेशन है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं दोस्तों वी से, अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से घटा दूं तो देखिएगा क्या कर मैं लिखूं, इक्वेशन 6 1 को v से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, v से मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से घटाना है, 6 2 में से घटाना है। तो देखिएगा v स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वी स्क्वेयर नहीं, वी से मल्टीप्लाई किया तो वी अल्फा स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर वी गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास में बनेगा वी। इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दो इसको, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो जाएगी 7 नंबर दे दो जो कुछ भी दे, ठीक है चलो ना दे दो। यहां से देखिएगा इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास में ये है अल्फा स्क्वेयर और ये है वी माइनस, ये प्लस का है सी स्क्वेयर बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से घटाएंगे तो देखो माइनस माइनस और ये भी माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू बढ़ेगी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है और ये है वी गामा स्क्वेयर और यहां से बढ़ेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बीटा गामा इज इक्वल टू वी क्या बढ़ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू बनेगी। इससे हम क्या निकालेंगे, वी को बाहर निकालेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास में ये समीकरण देखो दोस्तों क्या बढ़ेगी, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है चलिएगा। यहां से माइनस सी स्क्वेयर वी गामा स्क्वेयर ये वी इधर आ जाएगा और ये माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन। इसके बाद में देखिएगा यहां से मैंने वी कॉमन ले लिया तो माइनस का सी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, माइनस के सी स्क्वेयर और ये आ जाएगा गामा स्क्वेयर माइनस का 1 माइनस के बीटा गामा इज इक्वल टू 0। दोनों से माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो वी ये आ जाएगा सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर प्लस के 1 प्लस में बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर कुछ भी दे दो आप, इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 7। अब देखिएगा हमारे पास में अल्फा है, यहां पर भी अल्फा स्क्वेयर है, अल्फा स्क्वेयर है लेकिन यहां पे वी स्क्वेयर है, यहां पे वी ओनली वी नहीं है, लेकिन पहले हमने वी से मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या कर देंगे वी की स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वी की स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम इक्वेशन 6 फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है वी की स्क्वेयर से और सब्सट्रैक्ट करना है किससे, 6 थर्ड से। तो यहां पर देखो हमारे पास में आ जाएगा वी स्केयर एल्फा स्केयर माइनस वी स्केयर सी स्केयर गामा स्केयर इज इक्वल टू वी की स्केयर, सबट्रैक्ट किस में करना है, इससे करना है तो ये हमारे पास में हो जाएगा, देखो सबट्रैक्ट नहीं करना है सॉरी, यहां पे जोड़ना है क्योंकि यहां पे माइनस है यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिएगा माइनस के वी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस के सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में बचेगा दोस्तों सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, क्या बचेगा सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इससे हमारे पास में क्या कॉमन आ जाता है, ये जो v है ना इसको इधर लेके आते हैं, इससे v स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, चलेगा? ये आपके समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आप बता दीजिएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, सभी को कोई डाउट नहीं है ना। इस v को मैं चलो यहां पे कर देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेंगे बाद में। यहां से मैं करूं, इस v को मैं इधर लेके जाऊं तो हमारे पास में ये है सी स्केयर बीटा स्केयर माइनस वी स्केयर सी स्केयर गामा स्केयर माइनस वी स्केयर, और ये हमारे पास में है इक्वल के सी स्केयर। इन दोनों से मैं वी स्केयर कॉमन ले लूं माइनस का, तो माइनस के वी स्केयर कॉमन ले लिया, सी स्केयर गामा स्केयर प्लस के वन और प्लस के सी स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम दे दिया नाम आठ नंबर इक्वेशन। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, जो सात नंबर इक्वेशन है हमारे पास में ये रही और आठ नंबर इक्वेशन है ये रही, यहां पे ओनली फोर वी है और यहां पे दोस्तों वी की स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे, इनको वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी की स्क्वेयर हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की कोफिशियंट क्या है, सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर प्लस में वन, सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर प्लस में वन, तो दोनों की कोफिशियंट अगर इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू ये बनेगी। तो मैं यहां पे नेक्स्ट नए पेज से स्टार्ट करता हूं, कोई जरूरत होगी तो मैं जो पेज पिच वाला लेके आ जाऊंगा आपके पास। अब मेरे को क्या करना है, सात नंबर इक्वेशन को वी से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है आठ नंबर में, ठीक है? तो मैंने किया, तो वी की स्क्वेयर ये है सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर प्लस में वन प्लस में बीटा वी गामा इज इक्वल टू जीरो, और ये हमें करना है माइनस के वी की स्क्वेयर सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर प्लस में वन प्लस में सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, दोनों को ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें हमारे पास में बनेगा बीटा वी गामा प्लस में सी स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये बढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिएगा, थोड़ी सी डाउट लग रही है मेरे को, सात नंबर इक्वेशन में देखिएगा आप, यहां से वापस लेके आता हूं मैं आपके पास में, सात नंबर इक्वेशन हमारे पास में थी, हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी भी, पीछे देखना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में देखिएगा ये सात नंबर इक्वेशन में सी स्क्वेयर इसके साथ में भी है ना, तो सी स्क्वेयर यहां पर करना है और यहां पर भी सी स्क्वेयर करना है, ठीक है ना, ये सी स्क्वेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ में गुणा में है, मैंने पहले बाहर ले लिया था, इसके बाद में इसका वापस से मल्टीप्लाई नहीं किया था, वापस से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, यहाँ पे सी स्क्वेयर और आएगा, तो यहां पर सी स्क्वेयर आएगा तो यहां पर भी सी स्क्वेयर आएगा ना, तो यहां पर सी स्क्वेयर आ गया। अब इन दोनों से सी स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों से बाहर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वेयर, तो हमारे पास में बचेगा बीटा वी गामा प्लस में बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन हमारे पास में प्राप्त हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं कोई, या इससे आप क्या कर सकते हो, गामा का मान भी निकाल सकते हो। यहां से आप गामा का मान कितना निकालोगे, बीटा वी गामा इज इक्वल टू वन माइनस बीटा स्क्वेयर, तो गामा इज इक्वल टू वन माइनस बीटा स्क्वेयर अपॉन में बीटा वी, कंडीशन नंबर नौ आ जाएगी आपके पास में, यानी ये इक्वेशन नंबर नौ आ जाएगी आपके पास में। यहां से सबको समझ में आ गया ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा हमारे पास में सात नंबर इक्वेशन ये आई थी, सात नंबर इक्वेशन क्या आई थी, ये सात नंबर इक्वेशन आई थी, और यहां से हमारे पास में ये नौ नंबर इक्वेशन आई है, ये हमारे पास में सात नंबर इक्वेशन थी, ये हमारे पास में नौ नंबर इक्वेशन आई है, इससे हम क्या करेंगे, गामा का मान रखेंगे, जो नौ नंबर इक्वेशन है इससे गामा का मान किस में रखेंगे, सात नंबर इक्वेशन में, तो गामा का मान वन माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा गामा आया, ये मान किस में रखेंगे दोस्तों, सात नंबर इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिएगा मैं रख रहा हूं यहां से, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से देखिएगा वी
सी स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा वी का होल स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी स्क्वायर बीटा और वन माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा वी इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे आप, तो इसको सोल्व करेंगे तो वी ये हो जाएगा सी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में वन प्लस में बीटा की पावर चार माइनस टू बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा वन माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा वी इज इक्वल टू जीरो। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिएगा वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या मान बनेगा, यहां से हमारे पास में मान बनेगा, हम क्या लेंगे बीटा स्क्वायर और वी, बीटा स्क्वायर और वी दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर वी मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, यही है ना दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा सही है, यहां पर वी स्क्वायर और आएगा ठीक है ना साथ में, तो मैं यहां पे पहले से ही लिख देता हूं प्लस का बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर, अब हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, इतनी दिक्कत थी। अब सी स्क्वायर वन प्लस में बीटा की पावर चार माइनस टू बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये इन तीनों के साथ में ही आएगा और ये इनके साथ में आएगा ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर ये वन माइनस बीटा स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी सी स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर है अंदर और यहां पर भी बीटा स्क्वायर है, यहां पर भी बीटा स्क्वायर है और यहां पर भी बीटा स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इन सभी से बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बीटा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से हमारे पास में क्या पड़ेगा वी स्क्वायर, इससे देखो बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया वी स्क्वायर पड़ गया, ये इधर गया तो जीरो हो जाएगा ठीक है ना बाद में, तो वी स्क्वायर सभी को दिखाई दे रहा है ना, ये देख लीजिएगा वी स्क्वायर और इसके बाद में बनेगा सी स्क्वायर, कौन सा सी स्क्वायर बनेगा भी, ये सी स्क्वायर बढ़ जाएगा और माइनस के टू सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर है ठीक है ना इज इक्वल टू हमारे पास में जीरो हो जाएगा। चलिएगा क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये आपको बता देता हूं मैं, यहां से ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने यहां से भी बीटा की पावर चार है और यहां पर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर चार हो जाएगी, यहां पर भी बीटा की पावर चार है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों, ये ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको सोल्व करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। और यहां से देखिएगा हमारे पास में बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये देखो माइनस के टू सी है और ये भी क्या है इसके साथ में ये बनेगा हमारे पास में माइनस के सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्यों कैंसिल नहीं होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में बीटा है इसके साथ में बीटा नहीं है, तो इसको हम बीटा के टर्म में चेंज करेंगे ना तो ये सी स्क्वायर इधर जाएगा और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस है सी स्क्वायर, इसको ये चिन्ह चेंज करेंगे तो हमारे पास में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस है और नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इससे अगर हम सी स्क्वायर ये देखो कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर और इससे हम क्या करेंगे सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में बन जाएगी, क्या बनेगा ये किसका मान बनेगा बीटा स्क्वायर का मान बनेगा,
लेकिन हमें बीटा का मान लेके आना है, तो बीटा का मान हम लेके आएंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इतना मान आ जाएगा। बीटा का मान हमारे पास में आ गया। अब बीटा का मान आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास में 6/3 आई थी, कौन सी 6/3 आई थी, इसमें अगर हम किसका मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे, तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, अल्फा का मान है आ जाएगा। तो यहां से हम इसमें बीटा का मान रखते हैं, तो देखिएगा ये हमारे पास में इक्वेशन है जो मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, जो कौन सी इक्वेशन है, 6/3, ये हमारे पास में है सी स्केर बीटा स्केर अल्फा स्केर वी स्केर इज इक्वल टू सी स्केर है, इसमें हम बीटा का मान रखेंगे, तो सी स्केर और बीटा स्केर का मान देखो कितना है, वैसे बीटा स्केर का मान हमारे पास में कितना आया था, ये आया था ना, ये भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीटा स्केर का मान ये रख दिया मैंने सी स्केर, और सी स्केर माइनस वी स्केर माइनस अल्फा स्केर वी स्केर इज इक्वल टू सी स्केर, ये माना जाता है। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो इस अल्फा स्केर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमारे पास में बन जाएगा c की पावर 4, और ये मान बनेगा हमारे पास में c की पावर 4 सी स्केयर माइनस वी स्केयर, और ये हो जाएगा माइनस के सी स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर वी स्केयर। तो अल्फा स्केयर वी स्केयर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो c की पावर 4 माइनस c की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे सी स्केयर और वी स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा सी स्केयर माइनस वी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा सी स्केयर वी स्केयर अपॉन में, ये v है ना, ये इधर इसके भाग में जाएगा तो वी स्केयर आ जाएगा सी स्केयर माइनस वी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी स्केयर अपॉन में सी स्केयर माइनस वी स्केयर, जो कि बीटा स्केयर का मान है, जो कि क्या है, बीटा स्केयर का मान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर, क्या आएगा अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर आएगा दोस्तों, ये यहां से आ जाएगा ना, अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर आ गया, अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर आ जाता है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, गामा का मान है निकालेंगे, क्योंकि अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर आ गया, तो हम अल्फा का मान निकालेंगे, सॉरी गामा का मान निकालेंगे, और गामा का मान किस में निकालेंगे, 6/2, जो कि इक्वेशन हमारे पास में कौन सी आई थी, 6/2 आई थी, उसमें हम क्या रखेंगे, अल्फा का मान बीटा का मान रखेंगे, गामा का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम रखेंगे, पहले तो इससे हमारे पास में गामा का मान कितना आता है, मैं 6/2 लिख के बताता हूं आपको, क्या इक्वेशन थी हमारे पास में, 6/2 की बात चल रही है, तो ये थी अल्फा स्केयर वी प्लस में सी स्केयर बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, ये देखिएगा यहां से हमारे पास में गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्केयर वी अपॉन में सी स्केयर बीटा है, ये मान रख देंगे, क्योंकि अल्फा से अल्फा स्केयर बराबर बीटा स्केयर है, तो यहां से हमारे पास में एक बीटा है वो अल्फा को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा ना, तो यहां से माइनस के अल्फा वी अपॉन में सी स्केयर, बट अल्फा की जगह हम बीटा भी रख सकते हैं, तो माइनस के बीटा वी अपॉन में सी स्केयर, क्योंकि अल्फा स्केयर बराबर बीटा था, बीटा की स्केयर था, तो अल्फा बराबर क्या रख सकते हैं, हम बीटा रख सकते हैं। तो गामा का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, माइनस के वी बीटा अपॉन में सी स्केयर, सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से, यहां से देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा बराबर बीटा आ गया, और गामा का मान हमारे पास में कितना आ जाता है, गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा वी अपॉन में सी स्केयर, इतना मान आ जाता है दोस्तों। ये मान हम क्या रखेंगे, इसमें वापिस इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे दोस्तों, चलिएगा मैं आपको बताता हूं, हमने स्टार्टिंग में ये इक्वेशन मानी थी,
एक नंबर इक्वेशन, दो नंबर इक्वेशन, तीन नंबर इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा, ये वापिस से मैं लिखे डिनोट कर रहा हूं आपके पास में, क्योंकि हमने लिया था स्टार्टिंग में एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, एक नंबर इक्वेशन। दो नंबर तीन नंबर सेम थी हमारे पास में, जो वाई डैश इज इक्वल टू वाई है और जेड डैश इज इक्वल टू जेड है, ये दो नंबर इक्वेशन थी। और टी डैश देखिएगा बीटा टी प्लस में गामा एक्स, इक्वेशन नंबर तीन, इसमें सभी में मान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने निकाला है बीटा बराबर अल्फा, और बीटा बराबर हमने निकाल दिया है कहां से, ये देखिएगा बीटा बराबर मैंने आपको बताया था बीटा का मान कितना आ जाएगा, वन अपॉन में अंडर रूट, कितना आ जाएगा वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर, ये हमारे पास में बीटा का मान आ जाता है। तो यहां पर देखिएगा अल्फा बराबर बीटा, तो एक नंबर इक्वेशन में एक्स डैश इज इक्वल टू बीटा रख सकते हैं ना, एक्स माइनस वी टी, एक सिस्टम तैयार हो गया हमारे पास में एक्स डैश वाला, बी अल्फा की जगह बीटा रख सकते हैं ना, रख दिया। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू देखो बीटा टी प्लस में चिन्ह आएगा गम्मा, और गम्मा का मान देखिएगा कितना आया है, गम्मा का मान ये आया था बीटा वी अपॉन में सी स्क्वायर, ये माइनस के बीटा वी अपॉन में सी स्क्वायर, तो यहां पर ये मान रख दीजिएगा बीटा वी अपॉन में सी स्क्वायर और ये एक्स। तो टी डैश इज इक्वल टू टी कॉमन ले लिया, सॉरी टी नहीं बीटा कॉमन ले लिया, टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, ये नंबर इक्वेशन और ये टोटल इक्वेशन, ये हमारे पास में प्राप्त हो जाती है। ये ही आपको याद रखना है भी क्या होता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है एक्स डैश इज इक्वल टू बीटा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश बराबर क्या होता है बीटा टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी की स्क्वायर, ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये ही होता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इतिशीदम, ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। देखिएगा, जय हिंद जय भारत दोस्तों।